और जो आपके एफ सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं किसको, पैंक्रियाटिक एमाइलेज को, ये किसको हमारे पास में रिलीज कर देंगे, पैंक्रियाटिक एमाइलेज नहीं, यहाँ पर होगा हमारे पास में पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक एक का फंक्शन देखेंगे, वैसे तो हम बीटा सेल्स के बारे में काफी ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि बाकी तीनों के इतने फंक्शन है नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो अल्फा सेल्स है ये रिलीज करते हैं ग्लूकागन हार्मोन को। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो इंसुलिन एंड ग्लूकागन है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि इंसुलिन अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कराएगा तो वहीं पर ये ग्लूकागन क्या कराएगा, ब्लड के अंदर इंसुलिन के लेवल को क्या कराएगा, सॉरी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। यहाँ तक की बात ठीक है। जो हमारे पास है गामा या डेल्टा सेल्स हैं, जिनको हम जो क्या रिलीज कर रहे हैं, सोमेटोस्टेटिन। तो ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जो हमारे पैनक्रियास से और हमारे किससे, जो हमारे हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है हमको कि जो हमारे पास में जो पैनक्रियाज हैं और हमारे पास में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, पैनक्रियाज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उससे जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे ना उनको क्या कराएगा, इनहिबिट कराएगा, बस भाई और मत रिलीज करो तुम, ठीक है। तो ये सोमेटोस्टेटिन क्या कराता है, ये क्या कराएगा हमारे पास में, ये इनहिबिट कराएगा किसको, रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, इनहिबिट कराएगा रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स किससे, हमारे पास में पैनक्रियास से एंड स्टमक से, पैनक्रियास से एंड स्टमक से क्या कराएगा, हॉर्मोन्स के रिलीज होने को रोकेगा, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया कि डेल्टा सेल्स और हमारे पास में गामा सेल्स किसके लिए होते हैं, यानी ये सोमेटोस्टेटिन नाम के हार्मोन को रिलीज कराएंगे जो इनहिबिट कराएगा रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड द स्टमक पार्ट के अंदर, जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दे रखा है एफ सेल्स, जो एफ सेल्स होते हैं ये रिलीज कराते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नाम का हार्मोन, और ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होती हैं उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है, ये हॉर्मोन्स को करेगा और ये किसको यहाँ पे रिटार्ड करेगा, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को रिटार्ड करेगा, सिक्रीशंस, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बीटा सेल्स से इंपॉर्टेंट चीज, क्या पढ़ना है यहाँ पर, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स पढ़ने हैं, बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन को। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ये इंसुलिन होता है इसके अंदर ए बी एंड सी तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगी, ए बी सी तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जब ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा हमारा, ठीक है, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब कि जब ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होगा तब इसके अंदर क्या होंगी, तीन चेन होंगी, पर जैसे ही ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है तो इसके अंदर सिर्फ ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन ही हमारे पास में रहती है, ठीक है, और ये क्या बन जाता है हमारा, एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर ये चीज हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं इससे आगे कि जो हमारे पास में इंसुलिन है ये क्या कराता है, ये ग्लूकोज को क्या टूटने से रोकता है, मतलब ग्लूकोज को जोड़ता है, तरीके से देखो मैंने एक वर्ड लिखा ग्लूकोजेनेसिस कराएगा, ये ग्लूकोजेनेसिस का मतलब, जहां पे वर्ड लिखा हो ना जेनेसिस, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराता है, और अगर यही पर ही क्या लिखा होता, ग्लूकोलाइसिस लिखा होता, तो लाइसिस का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज को तोड़वाता है, तो ग्लूकोलाइसिस तो हमारा कौन कराएगा, ग्लूकागन हार्मोन, और उसका उल्टा है इंसुलिन, तो ये क्या कराएगा, ग्लूकोजेनेसिस कराएगा, अगर लिपिड है तो उनका लाइपोजेनेसिस कराएगा, प्रोटीन है तो उनका प्रोटियोजेनेसिस कराएगा, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई। हम पढ़ते हैं कि इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होती है, डायबिटीज होती है इंसान को, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हम पढ़ेंगे डायबिटीज। तो जो डायबिटीज होती है उसका हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, हम पढ़ते हैं एक होती है टाइप ए डायबिटीज
और एक हमारे पास में होती है टाइप बी डायबिटीज। तो दोनों में फर्क क्या होता है? जो टाइप ए डायबिटीज होती है, टाइप ए डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस अलग होती है, उसका यहाँ नहीं लेकर आना। एक है हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटस टाइप ए डायबिटीज, और टाइप टू डायबिटीज को भी हमारे पास में क्या है, टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस। अब दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों के दोनों डायबिटीज मेलाइटस, लेकिन टाइप ए और टाइप बी हमने क्यों बोला, या टाइप वन एंड टाइप टू क्यों बोला, हम टाइप वन एंड टू को ज्यादा यूज करेंगे। तो जो टाइप वन है इसके अंदर क्या होता है, आपके अंदर की जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन कम होती है, यानी यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी हमारे पास में। जबकि डायबिटीज मेलाइटिस का इंसुलिन की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ क्या होता है, जो रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, रेकोगनाइज करते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन कराते हैं, वो यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं जब टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास में, रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो टाइप टू के अंदर क्या होगा, हमारे पास में रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं जो कि इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, हमारे पास में, और यहाँ क्या होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन ही कम होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो पैनक्रियास के लिए हमारे पास इतना ही था। अब इसके साथ ही हमें थाइमस ग्लैंड और कंप्लीट कर लेते हैं। थाइमस ग्लैंड क्या करता है हमारे पास में, सबसे पहले तो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो हमारे चेस्ट वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है हमारे पास में, थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है, अब देखो ग्लैंड है तो कोई ना कोई हार्मोन भी रिलीज करेगा, तो जो ये थाइमस ग्लैंड है ये रिलीज करता है थाइमोसिन नाम के हार्मोन को, रिलीज करता है, ये रिलीज करेगा हमारे पास में थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब देखो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो गया, प्रेजेंट कहाँ पर है हमारे पास, मान लिया अगर मैं इस लंग्स वाले हिस्से की बात करूँ तो हमारे लंग्स हो गए, बीच में यहाँ पर एक स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है, तो इस स्टर्नम बोन के पीछे वाले साइड यानी बैक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो ये थाइमस ग्लैंड है इसका फंक्शन क्या होगा हमारे पास में, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का अब हमको फंक्शन देखना है। तो देखो जो ये थाइमस ग्लैंड है उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि जो थाइमस ग्लैंड है हमारे पास में ये काम करता है प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन की तरह, प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन की तरह। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन हमने इसको क्यों बोला थाइमस ग्लैंड को, क्योंकि प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन हम उनको बोलते हैं जो क्या करें, जहां पर लिम्फोइड जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी हो और उनकी मैच्यूरेशन भी, यानी उनकी डिफरेंशिएशन भी वहीं पर ही होगी, वो बनेंगे भी वहीं पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन। जबकि सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता, जहां पर डिफरेंशिएशन भी उनकी वहीं पे ही हो, मैच्यूरेशन भी वहीं पे ही हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन। ठीक है, अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है टी लिम्फोसाइट्स को, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेगा, और जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमें क्या कराते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कराते हैं, देते हैं हमारी बॉडी को। किस किस टाइप की, एक है हमारे पास में यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एक क्या है हमारे पास में एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सेल बॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी है क्या है, तो दोनों की दोनों एंटी हो इम्यूनिटी हमारे पास में, लेकिन फर्क क्या है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं होता, जबकि जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो किसकी वजह से मिलती है हमें, एंटीबॉडीज की वजह से। ठीक है, वैसे ये चीज तो अलग से आएगी हमारे पास, इतना ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगर क्या बोल दे, अगर ये हाँ एक इम्पॉर्टेंट फीचर कि जो थाइमस ग्लैंड होता है ना ये डीजर्मेट हो जाता है पवर्टी के बाद में, यानी कि ये ऐसा ग्लैंड है जो डीजर्मेट होना शुरू हो जाता है हमारे पास तब आफ्टर पवर्टी, यानी पवर्टी की स्टेज आते ही ये क्या होना शुरू हो जाता है, डीजर्मेट होना शुरू हो जाता है और 60 ईयर्स की एज तक ये डीजर्मेट होता रहता है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब डीजर्मेट हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास में जो थाइमस ग्लैंड है इसके अंदर कुछ फैगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फैगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, सेल्स को किल करते हैं या फिर खाते हैं,
तो ये फेगोसाइटिक सेल्स जो कि थाइमस ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम होता है हेजल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हेजल सेल्स क्या होते हैं, इसके अंदर फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, और ये क्या होता है, डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है आफ्टर पबर्टी। ठीक है, यहाँ तक की बात। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर किसी इंसान के अंदर थाइमस ग्लैंड डैमेज हो जाए तो क्या होगा, तो अगर किसी के अंदर थाइमस ग्लैंड डैमेज हो जाए तो उसके सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, यानी उस इंसान के अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स आपके शो नहीं होंगे अगर ये थाइमस ग्लैंड क्या हो गया, आपका डैमेज हो गया तो। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ ये दो पार्ट